हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिंगर नेहा कक्कर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बुरी खबरें सामने आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल बटन को दबाना मत भूलें। जैसे कि आप लोग को बता दें कि नेहा कक्कर ने साल 2020 में सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी रचाई थी। तब से ही कपल सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी वीडियोस और फोटोज शेयर कर कपल गोल्स देते रहते हैं। यहाँ तक कि हर एक ओकेशन पर कपल एक साथ कई सारी तस्वीरें शेयर कर फैंस को विश भी करते हैं। हाल ही में नेहा कक्कर ने अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास दिन को एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन इन सारी सेलिब्रेशन के बीच उनके पति दिखाई नहीं दिए। अब सिंगर की फोटो देख कर सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो गए है। दरअसल नेहा की इस बर्थडे पार्टी में उनके पति रोहनप्रीत सिंह नजर नहीं आए। यहां तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नेहा को विश भी नहीं किया है। अब फोटोज देखने के बाद फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं कि रोहन इस पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कयास भी लगाए हैं कि उनके रिश्ते में दरार आ गई है। ऐसा कई बार होता है कि जब सेलिब्रिटीज अपने परिवार को समय नहीं दे पाते है, लेकिन बर्थडे के दिन जरूर एक प्यारा सा पोस्ट जरूर लिखते है। लेकिन रोहनप्रीत ने अपने वाइफ नेहा कक्कर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसे देखते हुए यही बात सामने आ रही है कि नेहा और रोहनप्रीत बहुत ही जल्द डिवोर्स लेने वाले हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।